जब आपने ऐसी चीज लिखी है तो खुद को भी तो खुशी महसूस होती होगी कि यार मैंने इतना कुछ अच्छा लिखा है। कई दफा तो देखते देखते मेरे वाले साहब ऐसे पलट के मुझे देखते कहते तुमने लिखा है जी अबू मैंने लिखा है। बहुत सारे डायरेक्टर ना अपनी जान छुड़ाते हैं, भाई ये तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ आया था मैंने कर दिया। भाई आपने कैसे कर दिया? नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स बोंगी मारेंगे टीवी पे तो इंडस्ट्री का तो यही हाल होगा। जो है हमारी आवाम के जो नफ्स पे हाथ रखना है वो सास बहू के कंटेंट है। ये सैड बात है या अच्छी बात? हमने जो गलती की हम सिर्फ सास बहू के उस इशू में फंस के रह गए। नसीर का जो कैरेक्टर है वो बदतमीज कैरेक्टर नहीं था, वो फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर था। बीवी बाची की तरबियत में कोई फॉल्ट नहीं, हैट्स ऑफ टू जवेरिया जो उनकी डिलीवरी और उन्होंने पकड़ी है। बहुत सारी चीजें मैंने भी एक्सप्लोर नहीं की थी लिखते वक्त, खासतौर पर वो जो शुरू के एपिसोड में आया था, लड़की देखने गई थी ना मुझे नहीं लिखी गई। वाह, अभी ये चीज ओपन एंडिंग है कि अस्मा ने नसीर को माफ किया कि नहीं किया, मैंने जान के नहीं दिखाया। ओके, सो बीवी बाजी 2 आने वाला है। I have no idea. थप्पड़ पूरे ड्रामे में एक था और ये इतना समझे बहुत सोचा था इस थप्पड़ के लिए कि मैं डालूं नहीं डालूं। अगर मैं थप्पड़ ना पड़वाता ना उस जगह, जमाल का कैरेक्टर को नहीं बचना था। Hey guys, assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. आई ऑलवेज़ गेट एक्साइटेड जब मैं राइटर्स से बात करती हूँ, राइटर्स से गुफ्तगू करती हूँ, क्योंकि राइटर्स से बात करके हमें कैरेक्टर्स की डेप्थ, उनकी बैकग्राउंड और कहानी के बारे में पता चलता है और बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे क्लियर होते हैं और हमेशा एक अच्छी कॉन्वर्सेशन रहती है। बेबी बाजी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा था, एक रात में मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते थे और बड़े मज़े का कॉन्टेंट था। हम लोग बड़े इमोशनली इन्वॉल्व थे उसके साथ, चार डिफरेंट बहुएँ और चार डिफरेंट बेटे, बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री थी। अब ख़त्म हो गया ड्रामा, लेकिन हमने सोचा क्योंकि राइटर को इनवाइट करते हैं, अब पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किस तरह इतने कैरेक्टर्स को उन्होंने मैनेज किया और इतनी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस और कॉन्सेप्ट कैसे उन्होंने इस ड्रामे में इनकॉर्पोरेट किए। 2012 से वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। माजी, भीगी पलकें और बबन खाला की बेटियाँ उनकी रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं और अभी हमने उनका देखा था बेबी बाजी। तो आइए मिलते हैं मंसूर अहमद खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। हम लोग काफ़ी अरसे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे लेकिन वो छुट्टियाँ एंड देन यू नो टाइमिंग वो नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आई थिंक टाइम सही है कि ड्रामा पूरा ख़त्म हो गया है। नाउ वी हैव मोर टू टॉक अबाउट, हम अच्छे से उसको उसके बारे में कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं और आपके सफ़र के बारे में भी जान सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर सर। सो पहले तो ये बताइए कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? और जैसे आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपका यू नो डीएम्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज जस्ट फ्लडेड विद मैसेजेस, तो ये एक्सपेक्टेशंस थी? ये एक्सपेक्टेड था कि ड्रामा अपने स्लॉट को लीड करेगा। अच्छा। क्योंकि मैं कोई इस कॉन्फिडेंस आई लाइक इट। नहीं नहीं, मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ, और कोई मैं नहीं, कोई भी राइटर जब सास बहू का कॉन्टेंट लिखेगा तो वो, क्योंकि हमारी आवाम के जो नफ्स पे हाथ रखना है वो सास बहू के कंटेंट है। ये सैड बात है या अच्छी बात है? ये अच्छी बात, ये सैड बात से अलग बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मौजूद ग्लोबल इशू है। okay. क्योंकि मुझे क्राउन में भी सास बहू की कहानियां नजर आती है, लेडी डायना और क्वीन एलिजाबेथ में भी सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, मुझे अर्थगुल में भी सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, मुझे मेरा सुल्तान में भी सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। okay. तो हमने जो गलती की, मतलब जो मुझे नजर आता है वो ये होता है हम सिर्फ सास बहू के उस इशू में फंस के रह गए। बाकी लोगों ने क्या किया कि उसको खवातीन के लिए रखा लेकिन और चीज़ों को भी साइड में डिस्कस किया। ओके, मौजूआत और मौजू पर डिस्कस किया। मैं जब वो कंटेंट देख रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि ठीक है मैं लिखूंगा सास बहू, क्योंकि मुझे बेचना चैनल को ही है, चैनल ने उसकी टीआरपी लेनी है, लेकिन मैं बाकी सच बातें बोलेंगे। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सच बात बोलूंगा, लेकिन मैंने बाकी ये सोच रखा था, मतलब कौन सोच सकता था कि बंजारा नामा चलेगा, नज़ीर अबादी का बंजारा नामा मैंने ड्रामा, और मुझे पूरा यकीन था ये कट जाएगा। okay. जब मैं लिख रहा था तो कहा किसको समझ में आएगा, ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा, क्योंकि हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देज फिरे मारा मारा, ये एक नज्म है, ठीक है ना, बस चली गई और वैसी हिट हो गई। मुनव्वर सईद ने जब उसे गुनगुनाया है तो उस जनाजा ही इम्पैक्टफुल हो गया। यहाँ तक हुआ कि मैं किसी और चैनल में कोई कहानी सुना रहा था, उन्हें कहानी पसंद आई और मुझसे कहते सब ठीक है लेकिन इस कहानी में भी कोई जनाजा उठना चाहिए। तो ये चीज़ें थी, तो मैं उस एलिमेंट को देख रहा था कि ठीक है सास बहू पे रखना है, ऐसे ही रखना है जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, मासेस की लड़ाइयाँ करानी है,
लेकिन आपने कॉन्वर्सेशंस रखनी है, बाकी इश्यूज पे बात करनी है, तो ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत आप ये क्लेम करें ना हम बहुत डिफरेंट प्लेस बना रहे हैं और बहुत डिफरेंट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. जब वो डिफरेंट कंटेंट मासेस ने देखा ही नहीं तो आपने इम्पैक्ट क्या दिया? मैसेज ओरिएंटेड प्ले बनाने का फायदा ही क्या है जब वो मासेस ना देखे? फायदा तो तब है जब वो मासेस देखे और मासेस तक पहुंचे. तो पहले आपको मासेस तक वो चीजें पहुंचानी पड़ेंगी. रबे हिस्ट्री में जब साउथ एशियन हिस्ट्री है उसमें ये बताया जाता है, जब हम पढ़ते हैं कि कव्वाली कैसे बनी, जब मुस्लिम यहाँ पर आए साउथ एशिया में, तो इंडिया में जो रिलीजन था उसमें भजन गाए जाते थे और सारी चीज़ें होती थी, तो उन तक वो मैसेज जो हमारे हिस्ट्री थी वो गा के पहुँचाने का एक तरीका ईजाद किया गया. धीरे धीरे वो कव्वाली की शक्ल इख्तियार कर गई. अच्छा, क्या अजान थी? अजाने बिलाली. बिल्कुल नहीं पता ये बात. दिस इज द हिस्ट्री. अब आपने क्या किया कि आपने उन लोगों को जो आपके पास मौजूद थे उनको देखा कि यार टारगेट ऑडियंस क्या है. अच्छा, ये गुनगुना के चीजों को समझते. ठीक है, फिर आपने भजन के अंदाज, भजन के देखा कि वो इस तरह से गुनाए. आपने कहा अच्छा, फिर हम कव्वाली को अंदाज में बात करेंगे. तो ये चीज है. अब आपने ये सीखना है जो हमारी इंडस्ट्री में, मैं और राइटर से भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि देखें चैनल्स पे जब आप जाते हैं ना कि मुझे इस मौजू पे लिखना, वो बड़ा यूनिक सा मौजू होता है. चैनल कहेगा नहीं, इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे. जैसे इसमें भी बेबीबाजी में जो नसीर और असमा का ट्रैक था, अब बहुत सारा क्वेश्चंस थे कि नसीर तो अपनी बीवी को पसंद ही नहीं करता तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, इतने सारे. हालांकि ये 90% घरों की कहानी है. ये तो अच्छा, मुझे आई एम सरप्राइज्ड अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज आई फील कि ये तो इज इररिलेवेंट इन पाकिस्तान, सॉरी टू से. एग्जैक्टली, देखे ना, अब ये मौजूद था ना, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नसीर की बीवी रुकी क्यों है अभी तक. Exactly. बाद में आपसे पूछूंगी. डेफिनेटली डेफिनेटली वो एक सवाल अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे इस मौजू पे सवाल देखें तो आपको हर कमेंट यही नजर आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अपनी बीवी को पसंद ही नहीं करता था. हालांकि आप देखें एक बहुत, अब ये इस इशू पे अगर आप ड्रामा लिखना चाहें ना तो आप नहीं लिख सकते. 10 लोग तो ये कह देंगे कि पैमरा का नोटिस आ जाएगा हमारे पास. okay. कि ये एक ऐसा मौजू है जिसको हम खुल के बात नहीं कर सकते. लेकिन इसी फैमिली ड्रामे में मैं उसे टच करके गुजर गया. सही बात है, ये वाली चीज़ें. तो हमारे राइटर्स को अब ये देखना है कि हमने मासेस की चीज़ लिखनी है और उसके अंदर मैसेज देना है, बजाय इसके एक मैसेज ओरिएंटेड ड्रामे बना लो वो कोई देखे ही नहीं, जहाँ उसकी रेटिंग आए और ये क्यों हमने बड़ा डिफरेंट काम किया. भाई करते रहो, अपने घर में देखो. ओके, चलें पहले बताइए कि कहाँ से स्कूलिंग है, कॉलेज कहाँ से? नापा से पढ़ा हुआ है आपने, डिप्लोमा किया हुआ है? मैंने स्कूलिंग कराची में ही है, मेरे घर के करीब स्कूल था, वहाँ से मैंने पढ़ा. उसके बाद आदमजी गवर्नमेंट कॉलेज से प्री इंजीनियरिंग में मैंने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद एनएडी यूनिवर्सिटी से आईटी में ग्रेजुएशन किया. वाओ, ओके. तो मैं सबको बताता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. अच्छा. उसके बाद मैं जैसे ही मैं पास आउट हुआ हूँ एनएडी यूनिवर्सिटी से, तो मैं फ़ौरन चला गया नापा. वहाँ मैंने ऑडिशन दिया और मैंने एडमिशन ले लिया, लेकिन मैंने अपने घर में नहीं बताया था क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी कि ये आराम से हो गया था या जालिम समाज बीच में आया. जालिम समाज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि एक ही बेटा हूँ, उसमें बात करी हूँ. एग्जैक्टली, तो मैं एक ही बेटा हूँ, तो अब्बू कंसर्न जरूर थे कि बच्चा ना राइट ट्रैक पर है. मेरे अब्बू खुद जर्नलिस्ट थे और मीडिया की फील्ड से थे. okay. तो जब कभी मैं ये बात शेयर करता था कि मुझे मीडिया में जाना है, तो उनका यही कंसर्न होता था, बड़ी हवाई रोजी है, टिका के नहीं है, रुल जाते हैं लोग, ये सारी चीज़ होती है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस भी किया और लोगों को भी देखा. तो वो कंसर्न ये था. तो जब अच्छा, और मेरे वाले साहब ने मेरी जॉब वगैरह सब करवा दी थी. मैं जैसे ही पास आउट हुआ तो मेरे वाले साहब सिविल एविएशन में थे, तो उन्होंने वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट में सब बात बात करके किसके इंटरव्यू ले लें, सारा कुछ वो सब चीज़ें सेट थी. अब मैं बताए बगैर मैंने नापा में एडमिशन ले लिया और मैं रोज़ाना शाम को 4 बजे 5 बजे मेरी क्लास होती थी, तो रोज़ाना बैग उठा के नापा चला जाता था. अब मेरे वाले साहब पूछते, तुम रोज़ाना शाम को कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जॉब हो गया, अब तो बस शादी करनी है और सारा कुछ करना है ये. तो मैं कहता था मैंने सोचा है कि मैं साथ साथ MBA भी कर लूँ ना, तो मैं IBA के टेस्ट की तैयारी करने जाता हूँ. मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं नापा में एडमिशन ले चुका हूँ. अच्छा, हुआ क्या कि वो थोड़े दिन बाद डेट आ गई IBA के टेस्ट की, तो मैं अब्बू दिखा रहे अखबार में आया. मैंने कहा जी जी. तो मैं उनको दिखाने के लिए IBA का फॉर्म ले आया. अच्छा. और मैं वो भरने लगा उनके सामने जान के बैठ के, कि नहीं यकीन आ जाए. अच्छा, मेरे जितने भी दोस्त पास हो गए उसमें बहुत सारे लोग IBA का टेस्ट दे रहे थे, तो 2 दिन पहले रात में जाके मैंने उनके साथ तैयारी की कि टेस्ट दे रहा हूँ तो कर. मज़े की चीज़ ये हुई कि मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, वो सब फेल हो गया. वाओ.
काफी मुश्किल होता है. एग्जैक्टली. और मैं बड़ा सेलिब्रेटेड बन गया कि यार मंसूर का टेस्ट हो, आईबी में एडमिशन ये हो, मुझे भी ऐसा फील हो, मैंने पता नहीं क्या मार्क आवा लिए. मैंने आईबी, इट इज अ बिग थिंग टू पास आईबीएस टेस्ट. आई विल से किसी जमाने में होती थी. ओके, दैट्स अनदर डिस्कशन फॉर अनदर टाइम. क्योंकि अब जो खैर, तो मैं जब वहाँ आप सुबह मैं आईबी की क्लास लूँ, शाम को मैं नैपा की क्लास लूँ. ओ, तो आपने आईबी भी ज्वाइन कर लिया? जी, मैंने बेवकूफ़ी ये की. अच्छा. और वहाँ मुझे तो बैलेंस शीट बनाना ना है, वो पैसों का हिसाब किताब, मैं इसमें सबसे ज़्यादा वीक हूँ. मेरा दिमाग ही सिर्फ इन चीज़ों में चलता था, आर्ट की फील्ड में और ये सारी चीज़ों में. फिर वो एक वक्त आया जहाँ मैंने डिसीजन लिया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ना है आईबी, मुझे नहीं करना, मुझे तो नैपा में करना है. तो वाले साहब को भी फिर मैंने उसी तरह से कन्वेंस किया कि नहीं, और वो उनका कंसर्न अपनी जगह था. फिर मैंने कहा डिग्री तो मेरे पास मौजूद है, जहाँ भी कोई मसला होगा. और फिर नैपा में पढ़ते हुए मैंने काम ये किया था, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था. तो ऑफ ट्यूशन वालों को थोड़ी बताता था कि मैं कोई नैपा में जाके एक्टिंग वैक्टिंग करता हूँ, यही बताता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपके बच्चे को इंजीनियर पढ़ा रहा है. वो खुशी खुशी रखते थे इंजीनियर बन चाहे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए. तो दिस इज़ हाउ डिड. फिर नैपा से पास आउट हो गया. पास आउट होने के बाद इंडस्ट्री में निकला था हीरो बनने के लिए. अभी भी ख्वाहिश है, अभी भी कोई अपने लिए लिख के आ ही जाऊंगा कभी ना कभी. नेवर नो, इंशाल्लाह. एग्जैक्टली. तो अब अगले ड्रामे पे आप बोले तभी दूंगा मैं, जब थप्पड़ भी तब डालूंगा, घर से बाहर भी तब निकलूंगा जब मुझे हीरो देंगे. फिर मैं काम ढूंढ रहा था, इसी दौरान मैं मिला था फहीम बर्नी से काम के लिए. तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई नई चीज़ नहीं शुरू कर रहा, लेकिन ईद आ रही है तो मुझे कोई टेलीफिल्म लिख कर दे सकते हो. तो अब मरता क्या ना करता, वो नहीं डायरेक्टर के साथ अच्छा है, मेरी रैपो बन जाएगी और ताल्लुक हो जाएगा. फहीम बर्नी एक उस 2012 का भी बहुत बड़ा नाम. तो मैंने कहा हाँ मैं लिख दूंगा. मैंने एक हफ्ते में, उन्होंने ही मुझे कहानी बताई, मैंने एक हफ्ते में टेलीफिल्म लिख कर दे दी. वो चैनल गई, वो अप्रूव हो गई. ये आपका पहला प्रोजेक्ट था रिटन? इससे पहले कभी नहीं लिखा था जिंदगी में? कभी राइटिंग कभी नहीं किया था. इवन नैपा में थोड़ी बहुत अनवर सज्जाद साहब के साथ पढ़ी थी स्क्रिप्ट राइटिंग, उनसे क्लासेस थोड़ी थी, वो भी एक सेमेस्टर. तो फहीम बर्नी को आप में क्या नजर आया कि उन्होंने बोला, आपने कभी पूछा? उन्होंने सिर्फ ये था कि तुम क्योंकि नैपा से पढ़े हुए हो तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि तुमने एक इदारे से तुम स्क्रिप्ट राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कैन यू डू दैट? ठीक है, तो हो सकता है उन्हें भी बहुत ज़्यादा नीड हो कुछ इस तरह से. तो मैंने फॉरन एज एन ऑप्शन कि हाँ क्यों नहीं, आई कैन ट्राई इट. तो बस ये हुआ और मैंने वो दी, वो जाके चैनल पर अप्रूव हो गई. तो मुझे अच्छी तरह याद है अफजल साहब जो उस टेलीफिल्म के प्रोड्यूसर थे, जो इस फिल्म में इस ड्रामे में रामीन के बाप बने थे इसमें बेबी बाजी में, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और मुझे टेबल पे रखे हुए स्क्रिप्ट दिखाए कि कब से पढ़े हुए दूसरे राइटर्स के, हम भेजते हैं अप्रूव नहीं हो रहे हो, तुम लकी राइटर हो कि तुम्हारा गया और पहली चीज़ ही अप्रूव हो गई. तो बस वहाँ से फिर एक सफ़र शुरू हुआ. फिर मैं एक और TS मीडिया होता था, वहाँ मैंने अतिया दाऊद के साथ काम किया. वहाँ से मैं निकल के गया A+, वहाँ मैंने फिर जंजबील के साथ काम किया. तो फिर जंजबील वॉज लाइक अ मेंटोर टू मी कि उन्होंने मुझसे कान पकड़ के लिखवाना शुरू किया और शी वॉज लाइक बहुत इनक्रेज किया. मैं एक सीन लिखता था तो बड़ा बताती थी हाँ बहुत अच्छा है, वरना आमतौर पर लोग होते हैं ना हाँ चलो नया राइटर इसको इतना क्या अप्रिशिएट करना, बहुत खुल के अप्रिशिएट करना, बहुत खुल के मेरी तारीफ करना. तो वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस आता गया. भीगी पलखें का सफ़र शुरू किया, फिर एक और ड्रामा लिखा माजी, फिर ऐसे करते 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 करते. शौक है लिखने का आपको? मुझे बिल्कुल शौक नहीं है. आपने बहुत अच्छा सवाल किया. मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ लिखने से, मैं फ्रस्ट्रेशन होती है लिखने से, मैं बहुत मजबूरी में लिखता हूँ. अभी तो वो सबने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारा वो है अभी बाजी तो बहुत अच्छा लिखा. तो अभी अभी सब मुझसे बोल ये रहे हैं कि अभी पकड़ लो जितने पकड़ सकते हो. तो मुझे भी यही कंसर्न. तो आप हीरो बनना चाहते हैं, लिखना नहीं? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक मैं हीरो बनना चाहता हूँ. डायरेक्शन इज लाइक द फ्यूचर में अगर मैं कहीं देखता हूँ खुद को तो आई सी माई सेल्फ इज द डायरेक्टर. क्योंकि तो मुझे कहीं आपने असिस्ट वगैरह करना शुरू किया? असिस्ट नहीं, मैं इन बिटवीन कर चुका हूँ. जैसे मैं जब लिख रहा था मैंने इंजीनियर मलिक के साथ कितनी घिरे हैं बाकी में उनको असिस्ट किया, टेलीफिल्म को एसोसिएट किया. तो वो थोड़ा बहुत काम करता रहा, लेकिन लिखने का काम बहुत असल में जो जिस चीज़ ने मुझे लिखने पर मजबूर किया ना वो ये था कि बड़ा सुकून का काम था. और इसमें वो फटीक नहीं थी जो प्रोडक्शन में है. भाई मुझे आदत नहीं थी गालियाँ दे के बात करने की.
अब हमारे यहाँ प्रोडक्शन में डायरेक्टर जब तक वो 2-3 गालियाँ दे के बात नहीं करता, क्योंकि वो एक अजीब से इन्वायरमेंट होता है, तो मैं घबरा गया था उस जगह से। मैं कह यार ये तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने वो जब लिखा, मुझे बड़ा सुख इसमें ये है कि अगर कोई आपसे कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है तो बड़े तमीज के दायरे में करता है वो, कि आपने ये मासूम होते हैं ना राइटर्स, हम लोग कहते हैं सारे कहते हैं बेचारे राइटर्स ऐसे ही है। तो वो जो कंटेंट मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ कंटेंट्स हैं, वो बड़े, अगर उनको गुस्सा भी आया, राइटर्स सारे सुस्तुल वजूद होते हैं, बड़ी रुला रुला के एपिसोड देते हैं, मैंने भी बड़ा रुलाया है। तो लेकिन अगर उनको गुस्सा भी आएगा तो बहुत उससे, इवन इसकी जो कंटेंट थी बेबी बाजी की, आइडिन की, सनिया है जी सही, तो आई गिव फुल क्रेडिट टू हर, जितनी परसिस्टेंटली उन्होंने मुझे फॉलो किया है ना, वरना मेरा तो ऐसा डिप्रेशन का इस ये ड्रामा इतनी इमोशंस थे राबिया इसके अंदर कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था। 3-3 महीने तक मैंने कुछ नहीं लिखा, 12 एपिसोड नहीं, फिर गायब। जब आप राइटर से बात करते हैं ना कि लिखते हुए हमें डिप्रेशन हुई, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि आप तो लिख रहे हैं राइट, इट्स नॉट यू, तो डिप्रेशन कैसे होती है? सॉरी मे बी इट्स अ डम क्वेश्चन बट मुझे क्यूरियस हूं मैं। इट्स लाइक दैट जब आप लिख रहे हैं तो आप वो करेक्टर हैं, ओके ठीक है, जब आप उस करेक्टर को वाकई फील कर रहे हैं ना जेन्युइनली, आपको डिप्रेशन हुआ, क्योंकि उस करेक्टर का डिप्रेशन आप में भी आए। तो फिर आप कैसे लिखते हैं, मतलब एक वक्त में आप 4 कैरेक्टर्स एक साथ लिख रहे होते हैं, बारी बारी लिखते हैं, फिर उससे हाउ डज इट वर्क, बिकॉज उसमें तो आपके कितने कैरेक्टर्स थे? यही सबसे ज्यादा मर्द हजराती 4 आपके मेन, देन फादर भी थे यू नो, तो How were you managing it? यही सबसे बड़ा चैलेंज था, और सिर्फ ये वाला चैलेंज नहीं था कि कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, उनके सबके मूड्स भी अलग अलग हैं। एग्जैक्टली वो लेकिन अगर अस्मा और नसीर का मुझे एक सीन लिखना है तो काफ़ी इंटेंस सीन है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उसके फौरन बाद समन और वलीद का सीन आ रहा है, तो अच्छे लवी डवी सा सीन आ रहा है। तो मुझे कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैंने अस्मा और नसीर का सीन लिखा है, तो उसको समन और वलीद का सीन लिखने के लिए मैं कोई कॉमेडी मूवी देखता था कि मेरा दिमाग फ्रेश हो, मैं इस सीन से निकल जाऊं, फिर मैं ये सीन लिखूं, तो फिर वो सीन देते, और इसी वजह से इतना टाइम लग गया। इसी वजह से इतना टाइम लग गया, और मुझसे 2-3 लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है ये ड्रामा नहीं, सिर्फ इमोशंस हैं इसमें, बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें मोमेंट्स हैं जिसमें रोना खुद ब खुद आ जाता है, खासतौर पे जो ब्रदरहुड इसमें भाइयों का जो प्यार दिखाया गया है, एवरी टाइम वो जब आपस में मिलते भी थे ना, एग्जैक्टली आंसू नहीं तो एक वार्म फीलिंग आती थी हार्ट में, इट वाज जस्ट अ वेरी, बहुत अच्छा लगता था स्क्रीन पे देखना। और वही बात है जो आप कहते हैं, आई थिंक वो डीप डाउन हमारे इमोशंस हैं, हमारे सोसाइटी हमारे माशरे का हिस्सा है के साथ रहना, एक दूसरे को यू नो सपोर्ट करना, तो वो जब आप होते हुए देखते हैं अपने सामने तो आपको बड़ा क्लिक करता उसके है। उसके एक चीज़ और मेरे साथ हुई इस ड्रामे को लिखते हुए कि ना ऐसे में हम सिर्फ 2 ही बहन भाई हैं, मेरी बहन थी तो वो उनके पेपर्स वगैरह बन गए थे, वो रुख से तो अमेरिका चली गई, तो मुझे बड़ा हुआ कि घर खाली हो गया, मैं इमोशनली बड़ा ब्रेक डाउन था वो मेरे लिए। फिर सोशली मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे बहुत पुराने, उनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गए ना, तो बहुत दोस्तियां हमारी एकदम से वो हुई, तो सोशली मेरा ब्रेक डाउन, फाइनेंशियली तो चल ही रहा था, राइटर्स का चलता है सारी चीज़ें, और फिर उन्हीं दिनों में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो मैं बड़ा फॉलोअर था जो पिछली गवर्नमेंट थी, तो आप पे तो बहुत जगहों से अटैक हुआ एक साथ। एग्जैक्टली मतलब जिस दिन खान साहब हटे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं पूरी रात रोता रहा हूँ ऑनेस्टली, तो वो जो सारी चीजें थी ना वो एक सारी ऐसी जमा हुई कि वो सारे दुख मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिख दिए किरदारों के फॉर्म में। लेकिन जब आपके अपलिफ्टिंग मोमेंट्स भी बहुत हैं, देयर वाज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ लाइक इधर उसकी वासिफ और फरहत का कुछ खराब हुआ तो फिर वलीद ने आके कुछ कर लिया, तो जहाँ हम समझते हैं ओ तो आपने उसको अपलिफ्ट भी किया है, यू नो अस्मा का भी कहीं हो रहा है तो सास ने आके कुछ किया कुछ ना कुछ, तो यू वर डिस्पाइट के आप कहने के बहुत मुश्किल था, मुझे लगा आपने बैलेंस बहुत अच्छा किया हुआ था उसको समहाउ। अच्छा ये बताएं कि राइटिंग जैसे आपने खुद बताया कि बहुत कोई हाई क्लास हाई फाई पेइंग जॉब तो होती नहीं है, ग्लैमरस भी नहीं होती, काफ़ी स्ट्रगल का टाइम होता है, तो क्या मोटिवेशन है इसमें रहने की, इसे करने की और कंटिन्यू करने के लिए? नहीं बहुत सारे राइटर्स हाई फाई लेते हैं उसके लिए, बहुत सारे लिमिटेड हैं, लेकिन वो आपकी एक वक्त आता है उसके लिए। ये सवाल मुझसे भी एक और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा था कि किस तरह होता है, तो मैं कहता हूँ हाँ शुरू में आपको चने खजूर और उस गुजारा करना पड़ता है, पानी पर गुजारा करना पड़ता है, ऐसा होता है, लेकिन अगर जेन्युइनली आप राइटर हैं तो आपके अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। फिर ये जो अगर मैं लिखता नहीं तो आपके सामने कैसे बैठा होता, ये जो इंटरव्यू देने वाला चार्म है, लोगों के मैसेजेस आने वाला चार्म है, ये जो एप्रिसिएशन इस वक्त है, और फुल क्रेडिट जो मिल रहा होता है ना एक चीज़ का,
जैसे मैंने एक्टिंग की है, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार मैं जो दो तीन छोटे छोटे एक मैं आपको बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं पास आउट हुआ तो मैं इसी तरह प्रोडक्शन हाउसेस में काम मांगने के जाता था, तो एक वो एसोसिएट डायरेक्टर था, उसने कहा हाँ कल ना हमारी एक शूट है, आप वहाँ आ जाइएगा 2 बजे। संडे का कोई दिन था, उन्होंने उस दिन शूट रख लिया। मैं कहा जी मैं आ जाऊँगा। रात में उनकी कॉल आई, आप अपने 3-4 दोस्तों को भी जाइएगा। अब मैं और लोगों को टीवी पर आने का इतना शौक होता है, मैंने सारे दोस्तों, मैंने कहा चलोगे शूट है ये, मैं सबको लेके सुबह 11 बजे जाना था। अब हम थिएटर के एक्टर्स, हम तो टाइम के इतने पाबंद कि हम फौरन पहुंच गए लोकेशन पे। भैया वहाँ तो ना आदम ना आदमजात, ना किसी ने दरवाज़ा खोला, वो कहना अभी तो प्रोडक्शन वाले आएंगे। अब मैंने उसको फ़ोन किया, भाई मैं तो आगे हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ करीब में चाय का होटल है, वहाँ वेट करो, हम लोग आ रहे हैं। वो 11 से कोई 2 बज गए और मैं चाय के होटल पर वेट कर रहा हूँ दोस्तों के साथ। अब टीवी पर आने का इतना शौक है, वहाँ बैठा हुआ वेट कर रहे। फिर जब हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि हम वो एक हीरो है, उसकी फैक्ट्री में एहतजाज होगा, तो हम वो एहतजाज करने वाले हैं। ये क्या है, नहीं तो सही ना, ढाबे से चाय पी के पूरे सही प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, मैंने कहा दोस्तों वोस्तों को लिया है, मैं तो उस वक्त समझ आना चाहिए था कि ये है। मैंने कहा मुझे नहीं करना ये सारा काम, तो मैंने कहा ऐसे करने से फिर अगर कोई करेक्टर हो बंदा कर भी ले। ऐसी एक ड्रामा था वो शादी नहीं हो सकती। अच्छा उसमें मुझे बुलाया कि ना आपको एक रोल करना है। अब मैं चला गया सेट पे, उन्होंने मुझे रोल ब्रीफ कर दिया, बहुत छोटा सा था। तो मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा था ना। अच्छा मैंने कहा अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, मेरे और भी बहुत दोस्त हैं, मैं उनको आपको कोऑर्डिनेट करके दे देता हूँ। नापा के सारे दोस्त वगैरह को। थोड़ी देर बाद उर्वा वहाँ से गुजरी, तो मैंने कहा इनके साथ करना है? कहने लगे जी इनके साथ। मैंने कहा दोस्त तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। मैं कर लेता हूं। तो मैंने उसमें काम किया है, आप देखेंगे ना ये शादी नहीं हो सकती एपिसोड 2 में मैं आपको नजर आऊंगा उर्वा के साथ। ये बताएं आपका चैलेंज क्या है राइट नाउ एज अ राइटर? चैलेंज तो बेबी बाजी के हिट होने के बाद तो बहुत बढ़ गया है ना चैलेंज। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी लेवल की कोई चीज होगी, फैमिली स्टोरी होगी, फैमिली स्टोरीज में मॉरल वैल्यूज पे बात होगी, ये वाला चैलेंज जो अभी आया है मेरे लिए एज अ राइटर। अगर आप कहें कि मैं खुद क्या समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मौजू मिले जिस पे लिखा जाए, भले फैमिली ओरिएंटेड हो, लेकिन अभी मसला बताए कि हमारे ना चैनल्स डरे हुए हैं, वरना मैं चाहता हूँ पॉलिटिकल सिनारियो पे कुछ लिखा जाए, लेकिन चैनल्स करेंगे नहीं। पता नहीं एपेटाइट भी है ऑडियंस की या नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। ऑनेस्टली हम अपने ऑडियंस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर हम बनाएंगे ना, और बात यह कि हम बनाते किस तरह है, मेरी ख्वाहिश यही है कि वो घरेलू ड्रामा हो लेकिन पॉलिटिकल सटायर हो। ओके तो वो रिलेट भी करेगा, क्योंकि हम सब अपने घरों में यही बातें कर रहे हैं। हम सब फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त मुल्क के हालात से, सारी चीज़ों से। तो जब वो बातें जो हम अपने घरों पे कर रहे हैं, किरदार आपको स्क्रीन पे करते हुए नज़र आएंगे ना, आप फौरन जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, आप रुकेंगे। बेबी बाजी में भी यही था, चीज़ ये थी कि वो बातें जो हमारे घरों में थी, ये बात तो मैं एडमिट करूंगी बिल्कुल, आप वो सामने ले आए थे, टीवी पे ले आए। इट वाज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ट्रू, कोई ऐसे सीन नहीं थे, ना हीरो था ना हीरोइन थी, ना उस तरह के डायलॉग थे कि तुम्हारी याद में पागल हो गया होंगी और ये सारा कुछ, इस तरह का कुछ नहीं था। मेरे पाँव में छाले पड़ गए, इस तरह के होता है ना, तुम्हारे पीछा करते करते मेरे पाँव में छाले पड़ चुके हैं मगर तुम मेरे पास नहीं आ रहे, तो वो कुछ नहीं था। ये बताएं ऑडियंस को लेकर आपकी कोई एज अ राइटर कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन होती हैं ऑडियंस के रिस्पॉन्स को लेकर? कभी ऐसा होता है आपको लगता है कि जो लिखा है वो वैसे नहीं समझा गया? अभी तो देखें इस वक्त जिस पेज में हूँ ना, उस वक्त तो सिर्फ तारीफें सुन रहा हूँ और वो ही सुनना अच्छा लग रहा है। पुराना कोई कभी इन योर जर्नी? एक हुआ था बब्बन काला की बेटियाँ, जब मैं लिख रहा था तो हमारी यहाँ ऑडियंस ना वेट नहीं करती कि अगली एपिसोड में क्या होगा, तो वो हमने एक फ्रीज बनाते हैं। उसमें सीन ये था कि दो लड़कियाँ थी, दोनों बहनें थी, तो एक बहन शादी कर लेती है और माँ बाप से छुप के शादी कर लेती है, और वो तो दूसरा जो दूसरी बहन का लवर होता है कहता है जब एक तुम्हारी बहन कर सकती है तो वो उसको तुम क्यों नहीं कर सकती हो। वो उसको एक दिन उठा के कोर्ट ले जाता है कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। वो मेरा फ्रीज था भाई। उस दिन तो यूट्यूब पे जो गालियाँ पड़ेंगी, क्या सिखा रहा है राइटर, ये हमारी लड़कियों को बिगाड़ रहा है, ये वो सारा कुछ हुआ। जब डी फ्रीज हुआ तो वो लड़की कहती है अगर एक एक मेरी एक बहन मेरी बाप की इज्जत पे समझौता कर सकती, मैं नहीं कर सकती। वो स्टैंड लेके वापस आ जाती है। फिर वो जब वो एपिसोड आई, वाओ ये होना चाहिए लड़कियों को,
ऐसा तो भाई पूरे ड्रामे का वेट कर डर गए आप वेट आप नहीं, मैं नहीं डरा था, मेरी तो एपिसोड लिखी हुई थी फ्यूचर के लिए, लाइक अच्छा आई हैव टू मैनेज इट समहाउ, नहीं मुझे अच्छा लगा कि ठीक है मैंने डॉज किया ना ऑडियंस को, और ये भी तो देखें कि ऑडियंस कितनी इन्वेस्टेड थी, मजेदार चीज ही होती है आप ऑडियंस को डॉच कर जाएं, जैसे इसमें हुआ था लोग समझ जाते बेबी वाइट जी की डेथ हो गई, मुझे मालूम है आप डॉच करके सिद्दीकी साहब की डेथ पे चले गए थे, फिर जो वो वाला सीन जो अभी वलीद और बेबी वाइट जी का ओल्ड एज होम में था, दो दफा आपने बड़ा हमें ना ट्रिक किया है, that's the thing you need to do, कि आप वो इस audience को उधर रखें, सिर्फ ये नहीं ये मौजू पे बात हो रही है, उसके fictional elements को add करते हुए चले, तो बेबी जी खास बात ये घरेलू ड्रामा होने के साथ साथ fictional elements थे कि अब क्या होगा वाली इंडस्ट्री को लेकर क्या चैलेंजेस हैं या क्या चीजें जो एज अ राइटर आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करती हैं, मुझे लगता है इंडस्ट्री को ना अभी मजीद एक्सप्लोर होने की जरूरत है, मतलब हम लोग अभी भी जैसे इवन माशाल्लाह के दौर में पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा काम हो गया, लेकिन इस वक्त हम लोग डरे हुए हैं सब, हम लोग वो नहीं काम कर पा रहे, उन मौजूआत पे चीज़ें नहीं बना पा रहे जिन पे हम काम कर सकते हैं। आप किस साइड पे हैं, वो वाले राइटर हैं आप जो कहते हैं कि ऑडियंस को वो दिखाओ जो ऑडियंस देखना चाहती है, या आप वो हैं जो कहते हैं कि नहीं ऑडियंस को वो दिखाओ जो ऑडियंस को देखना चाहिए एंड इसी तरीके से हम ऑडियंस का टेस्ट चेंज करेंगे? मैं उस साइड पर हूँ कि ऑडियंस को वो दिखाओ जो वो देखना चाहती है और उसी के अंदर उनको ट्रेन करते करते चले जाओ और अपने लेवल पे ले आओ, तो जो जो नशा होता है ना उसमें लोग क्या कहते हैं नश जो ये रैकेट चलाते हैं वो फ्री में देते हैं सबसे पहले, और फिर जब आप आदी हो जाते हैं तो फिर आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है, तो इवन वो जो चैट जीपीटी आया है ना आपको पता है वो उस पर पैसे लगने वाले, अब हमें आदत हो गई वहाँ से बनाने के लिए, अब वो उन्होंने पैसे लगा दिए उसके ऊपर, तो हमें ये काम करना है कि हम ऑडियंस को वो दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं और उसी के अंदर अपना मैसेजिंग करें, दिस इज़ व्हाट आई ट्राइड इन बेबी बाजी, मैंने सास बहू का दिखाया, इवन आई जो इवन इसके अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या है राबिया, जो जब ये स्क्रिप्ट लिखा उसके बाद जब स्क्रीन पर आया ना तो डायरेक्टर ने उसको उसी फील के साथ स्क्रीन पर लेकर आया, और ख़ासतौर पर जब भी कोई बेबी बाजी की स्क्रिप्ट की तारीफ़ करता है तो मैं समझता हूँ मेरी कमज़रफी होगी कि मैं डायरेक्टर की तारीफ़ ना करूँ, तहसीन खान जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं उन्होंने उस फील का भी ख्याल रखा है, और मैं समझता हूँ कितना ही अच्छा स्क्रिप्ट हो अगर वो डिलीवर सही ना हो उसकी एग्जीक्यूशन सही ना हो वो फ्लॉप हो जाता है। It's always a team effort, it is indeed. You know, क्योंकि आप मुझे बताएं ना कौन सा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होगा जो एक बुरा स्क्रिप्ट फ्लोर पे भेजेगा, जो एक बुरा स्क्रिप्ट शूट पे भेजेगा, मैं तो सरप्राइज होता हूँ। आप मुझसे गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं मैं तो गलत पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहे हैं, सवाल भी गलत है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे तो ड्रामे भरे हैं। मैं समझता हूँ राइटर्स का कोई कसूर नहीं होता, राइटर्स बहुत अच्छा लिख कर देते हैं, क्योंकि राइटर का कई जगहों से गुजर के एक स्क्रिप्ट जाता है, मुझे अगर राइटर का कसूर है ना तो उससे पहले उस डायरेक्टर का कसूर है जिसने वो एग्जीक्यूट किया। मैंने देखा है बहुत सारे डायरेक्टर ना अपनी जान छुड़ाते हैं, भाई ये तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ आया था मैंने कर दिया, भाई आपने कैसे कर दिया, एक बोंगी आपने मारी है ना, उस एक्टर ने मारी है जो वो कर रहा है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स बोंगी मारेंगे टीवी पे तो इंडस्ट्री का तो यही हाल होगा जो है। आई थिंक एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल इन देयर ओन स्पेस, राइटर डायरेक्टर एक्टर्स हर कोई अपनी हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझता हूँ एक राइटर ना बड़े राइटर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हम तो बेचारे हमारी एक चीज़ अप्रूव हो जाती है हम तो उसमें लिखने में जान लगा देते हैं यार, खुदा खुदा करके तो काम मिला है उसमें भी हम नखरे दिखाएं कि ये नहीं कर सकते। अब वो किरदार अगर कोई एक बड़ा एक्टर कर रहा है, एक बड़ी एक्ट्रेस कर रही है, कुछ सबा कमर के लेवल की एक्ट्रेस है माहिरा खान की, तो उनको जाइए ना स्टैंड लें, वो कहें स्क्रिप्ट चेंज करो यार ये कौन सी बॉन्गी मारी है, मुझे राइटर्स के पास पावर नहीं होती स्क्रिप्ट चेंज करने की, हम जैसे छोटे राइटर्स के पास तो नहीं होती। ओके नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं होती, इनफैक्ट आपको चेंज करना पड़ता है क्या कभी कभी स्क्रिप्ट कहने पे? हमें वो करना पड़ता है जो हमसे कहा था कि इसमें ये चेंजेस कर दीजिए, हमें तो पेमेंट उस वक्त होगी जब हमारी एपिसोड अप्रूव होगी। ओके हाँ एक बड़ा राइटर I'm not talking about established writers. देखते, मैं, वो फिर stand ले सकते हैं कि मैं नहीं करूँ। कुछ writers हैं जिनका हमें भी पता है कि उनकी बात मानी जाती है सुनी जाती है बहुत हद तक। अब तो मेरी भी सुन ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेरी भी सुनी जा रही है। But ये interesting है कि आप कह रहे हैं कि writers के पास कोई power नहीं होती, वो बेचारे ही होते हैं और उनको वो करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। ऐसा। Okay. तो आपको बेबी बाजी में कुछ करना पड़ा? नहीं। नहीं। ये lucky हूँ। I'm lucky one. को कुछ ऐसा नहीं था जो मैं नहीं करना चाहता था, ये मुझे फोर्स किया गया,
या मैं करना चाहता था मुझे रुक दिया गया, सिर्फ एक चीज़ थी क्योंकि मैं इस बेबी वाई जी में ना ईद बकरीद और रमज़ान का फेस्टिवल भी दिखाना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ईद बकरीद हो तो वो आए स्क्रीन पर, तो अब शायद दिखा लें क्योंकि इसके अंदर मैंने जुम्मा दिखाया और जुम्मे की एपिसोड संडे के दिन चली लेकिन लोगों ने उसको इंजॉय किया, ये नहीं कहा आज तो जुम्मा नहीं है तो अब शायद ईद बकरीद और रमज़ान आ जाए तो क्योंकि इंशा बेबी बाजी उस पर आते हैं। इंस्पिरेशन क्या थी, आइडिया कहाँ से आया, आपका इनिशिएटिव था, प्रोडक्शन हाउस ने आपको अप्रोच किया, हाउ डिड इट कम आउट? बेसिकली मैंने जैसे आपसे कहा ना बब्बन खाला के बाद से मुझे यही कहा जा रहा था कि बब्बन खाला की बेटियाँ जैसा कोई हो, मेरा ख्वाहिश ये थी कि बेटियों की जगह मैं बेटों पर ड्रामा बनाऊँ, वो ये कॉन्सेप्ट बिक नहीं रहा था, फिर मैंने बेटों की जगह बहुएं कहना शुरू कर दिया कि बेटियों की जगह बहुओं की कहानी हो, एक बहू ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो। अच्छा जो आपने बात की ना कि आइडिया कहाँ से आया था, दो चीज़ें मुझे एक ख्याल परेशान करता था, एक ये कि हम बचपन से बहन भाई दो भाई साथ पले बड़े होते हैं, ऐसा क्या होता है कि बड़े होके हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ के झगड़े, वही वही भाई जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बड़े होते हैं एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं, मुझे ये फैक्टर्स अंडरस्टैंड करना था कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कैसे होता है, मुझे वो चीज़ समझ में आई। हाँ जब एक दूसरी औरत घरों में आती है वो कहती तुम्हारा भाई ये तुम्हारा भाई वो, तो मैंने कहा यार ये अच्छा है जिसमें वलीद और वासिफ का आपको नजर आया होगा और वलीद कहता भी यार आई मिस यू एज ए ब्रदर कि हम भाई हूँ। इज इट नॉट अनफेयर कि सारा इल्ज़ाम आपने औरत पे डाल दिया, मर्द की खुद अपनी अकल नहीं है कि वो देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? नहीं वो आपने नहीं सुना जर जमीन जन फसाद की जड़ है, यही तीन चीजें हैं उसमें जन आता है, मैंने तो ना मर्द के ऊपर है खैर ऑन नहीं तो ये आपका आपका सवाल सही है, ये तो मैंने ऑन लाइट नोट कहा है, मेरे पीछे मत पढ़िएगा तो मैंने सोल सिस्टर्स पे हंगामा हो जाता है ऐसी बात हो फिर तो मैं सिर्फ मजाक में कही ये बात सही है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, इस सोसाइटी में जितने भी नॉर्म्स हैं इसमें औरत भी उतनी रिस्पॉन्सिबल मर्द भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर मर्द स्ट्रेंथ लेके स्ट्रांग होके अपनी माँ के फ़र्ज़ जो उसके हैं उसको हकूक जो हैं उनको पूरा करें और अपनी बीवी के जो हकूक हैं उनको पूरा करें, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो हमें सिचुएशन में, क्योंकि लेकिन जब मर्द बैलेंस नहीं रख पाता अपनी माँ और बीवी में तो फिर ये चीज़ें होती हैं, सो हम आई थिंक इट्स अनफेयर टू से कि वो औरत आती है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नहीं लेकिन होती हैं, मर्द बैलेंस भी करे तब भी चेंज हो जाती हैं चीज़ें, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, इल्ज़ाम जो है ना मतलब कसूर थोड़ा बहुत जो है ना वो ज़्यादा जिसको कहते हैं वो औरत का ही होता है, कहीं जगह माएँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही होती, कहीं जगह बीवी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही होती, माएँ ये फील ही नहीं कर रही होती कि हमारा बेटा जो है वो अब किसी और का है, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई, वो चाहती हैं जैसे वो शादी से पहले था हमारे साथ वैसे ही रहे, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। आपने कहा दो इंस्पिरेशन थी आपकी, अच्छा दूसरी पे आ जाते हैं, दूसरी ये आपने सही कहा कि एक ये था कि भाइयों का प्यार और इन सारी चीज़ों, दूसरी ये थी कि एक औरत जो इतनी मजबूती के साथ अपना ख़ानदान चलाती है, क्या होता है कि शौहर के मरने के बाद वो अपनी पूरी फैमिली के इरेलीवेंट हो जाती है, और ये बहुत रिलेटेबल कहानी है, मैंने ये चीज़ें देखी है, वो बेबी बाजी की कहानी थी जो नाम इस ड्रामे का था वो यही था कि उस औरत की कहानी, उस इसमें डायलॉग भी था एक, जिस औरत से पूछे बगैर उस घर में खाना नहीं बनता था आज उसे कोई खाने का नहीं पूछता, दैट्स द और ये पूरी लाइन थी इस ड्रामे की। ओके वो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि रिलेटेबल है, बहुत सैडली हम आसपास होते हुए देखते भी हैं, और आई थिंक वो जैसे आपने एक जगह मेंशन भी किया रिमाइंडर भी था कि ना हो ऐसा इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और आप रिग्रेट करें, तो एंड आई थिंक आपके ड्रामे ने ये बहुत किया लोगों को जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे उनको शायद थोड़ा सा रिमाइंडर हो, क्योंकि वो होता है ना आप सिचुएशन में होते हैं, आपके ड्रामे ने उनको सिचुएशन से बाहर बैठ के उसको देखना सिखाया, ये नहीं रिमाइंडर के तौर पे मैं जो इम्पैक्ट है ना इस ड्रामे का वो एक डिफरेंट लेवल का है, मुझे एक साहब मिले किसी ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे इनसे कि इन्होंने लिखा है बेबी बाजी, मुझे देखा अच्छा तुमने लिखा है, तुम्हें पता है ये ड्रामा देखने के बाद मैंने अपना घर अपनी बीवी के नाम कर दिया, दैट इज़ द इम्पैक्ट, कितनों ने ऐसा किया होगा और कितने लोग इस ड्रामे को देखने के बाद हो सकता है किसी माँ अपने दुख से बच जाए,
और एक जगह यही मैंने बात की थी कि ड्रामा देखने के बाद एक भी औलाद अपनी माँ के पास वापस आ जाए, अपने वालदैन के पास वापस आ जाए, तो मेरे ड्रामे लिखने का मकसद तो पूरा हो गया. तो वो जो हम डिबेट करते हैं ना, हमारे ड्रामों से मकसदियत ख़त्म हो गई है. कम अज़ कम मैं क्लेम कर सकता हूँ मेरे ड्रामे में तो मकसदियत थी, एक नहीं बहुत से मकसद थे. और लास्ट में जो कल हमने पंच दिया है, जो आखिरी का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था. ये पता है जो आप कह रहे थे कि आप इन दो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, भाई भाई के अगेंस्ट कैसे हो जाता है, और यू नो एक औरत जो इतना रूल करती है वो कैसे इस तरह बेघर हो जाती है या उसकी पावर नहीं रहती, तो आपने कोई रिसर्च किया ये क्यूरोसिटी को, या खुद से आपने क्रिएट की चीज़ें? हाउ, व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्रोसेस वाज लाइक कि मैं खुद मैरिड नहीं हूँ, ना मैं जॉइंट फैमिली से हूँ. फिर तो मुझे और भी हैरानी हो रही है कि आपने इतनी बारीकी से और इतनी अच्छे तरीके से उस सारे सिस्टम को समझा है, उसके डायनामिक्स को समझा है, और उसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपने स्क्रीन पे दिखाया है. डेफिनेटली वो इस वजह से पॉसिबल हुआ कि मेरा मुशाहिदा बहुत अच्छा है. कि मैं लोगों की ज़िंदगी, जैसे मेरे जितनी भी दोस्त हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, तो मैं अक्सर उनसे वो आके कोई अपना के तासस करते हैं, तो बहुत गौर से सुनता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मुझे पता है इसमें से कहानियाँ निकलेंगी. और मैं उनको सजेस्ट कर रहा होता हूँ, फिर पूछता हूँ तुमने, मैंने ये सजेस्ट किया था, तुमने ये किया तो इसका नतीजा क्या निकला, कोई बेहतरी आई, घर में कुछ हुआ इस तरह से, तो मुझे बताते रहते थे. इवन मेरे एक दोस्त तो बहुत नाराज था, कहते मेरी बीवी कह रही है तुम्हारे दोस्त ने लिखा है, नहीं तुम सब बताते हो ये वो लिखा इसने. ये पूछने वाली थी, आपने डाला है वो? एग्जैक्टली डाला है, इसमें से कहानियां डाली है ऐसे ही ऐसे ही. बहुत सारी सिचुएशंस जैसे ये जेवर की, ये मुझे किसी ने बताई थी कि हमारी भाभी ने ऐसी अंगूठी चोरी कर ली थी. ओह गॉड. अच्छा, अब मेरा काम ये था कि मुझे जब ये पता चला तो मैं कैसे अपनी कहानियों में डाल के उसको फिक्शनल बना दूं, वो ऐसा नहीं लगे कि बस हो गया, उसको एक प्रॉपर इवेंट होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए. ये जेवर का सारा इशू था, ये मुझे किसी ने बताया था, ये जादू तावीज रखना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें ये बताई. तो उन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह लिस्ट डाउन करके मैंने कहा अब मैं इसको कहानी में कैसे लिखूंगा. तो मैंने काम ये किया कि उस सारे इवेंट एक जगह लिख लिया और फिर उनको सिस्टमैटिकली अपनी कहानी में लाता रहा लाता रहा लाता रहा लाता रहा. तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जिस स्टेज पे वो आते रहे, हर शख्स ये कहता रहा ये हमारे घर की कहानी, ये तो हमारे घर में हुई, फलां के घर में हुआ, ये वो वाला काम था. इतने मैसेजेस हैं आपके अगर ड्रामे में देखूँ तो, यू नो कि फैमिली बिजनेस है वर्सेस जॉब, इनहेरिटेंस, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात, इट्स नॉट जस्ट के फिजिकल अब्यूज़ हो, अब्यूज़ वर्बल और मेंटल और इमोशनल भी होता है जो इतना ही डैमेजिंग होता है, जो हमने अस्मा भाभी के साथ देखा. तो ये इतनी, ये तो मैंने दो तीन अभी थीम्स बोल ली हैं. इवन मुझे बहुत ज़्यादा जो जब वासिफ डिफेंड करता है खुद को और फरहत को जवाब देता है कि वो फरहत जब कहती है कि कल को कोई लड़का आके कहे मेरे इसका सत अफेयर, तो हाउ डू यू रिएक्ट? लगता है मैं ग्रेसफुली रिएक्ट करूंगा. एग्जैक्टली. और ये बात भी कि मर्द रोता है तो वीक नहीं होता. एग्जैक्टली. तो मुझे एक लड़की का मैसेज आया, थैंक्स फॉर एजुकेटिंग द बॉयज, क्योंकि बॉयज अगर इसका अफेयर था ये शक करने शुरू कर देता यार, तुम्हारे भी तो 10 चले, उसका भी पास था जिस तरह तुम्हारा पास था. True. तो वो एक सीक्वेंस था, वो कहती है ये तो हम दिखा सकते हैं लड़कों को. True. कभी. तो ये सारी मैसेजिंग और ये इंटेंशनल थी. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ये कैसे हुआ, एज यू वर राइटिंग तो ये सारे मैसेजेस आते गए, या आपका ये ख्याल था कि मैं अपने ड्रामे के थ्रू इन ख्यालात को कम्युनिकेट करूँगा? अच्छा, मैं जब लिख रहा होता हूँ ना तो वो ख्यालात का एक फ्लो अपना होता है. जैसे एक जगह इंटेंशनल ये वो ऐसा था कि ख्याल में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा यार यहाँ ये बात होना ज़रूरी है. जैसे बाप डांटता है, यार हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था तुमने, बेटे को डांटता है ना, और वो हॉस्पिटल में बात होती है तो वो कहता है कि यार मैं इसलिए इस बच्चे को लाया कि मेरे बाप को कोई रोड पर छोड़ के चला गया था, वो मर गया था, तो मैं नहीं जाना था, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो, तो वो कहता है कि यार लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं. अब वो मैसेजिंग थी, और वलीद का जो एक्सीडेंट होता है, तो वो बंदा जिससे एक्सीडेंट जिसकी गाड़ी से हुआ था वो भागता नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेके आता है, जब तक उसकी फैमिली से कोई आ नहीं जाता वो वहाँ रुका रहता है. तो वो सारी चीजें कहते हैं दैट वॉज इंटेंशनल. मैंने कहा अच्छा मैंने ये किया है, तो इस सीन में और क्या हो सकता है जिससे मैसेजिंग चली जाए. ओके, आई लाइक इट. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी सारी बातें सुन के, और मैं और बहुत, वैसे तो मैं बहुत चीज़ें नोट कर रही थी, बट अब आपकी बात सुन रही हूँ तो मैं कह रही हूँ यस, ये बात भी आपने सही बोली, ये बात भी आपने सही बोली. अच्छा लगता होगा बाद में देख के कि यार मैं, बिकॉज आई फील मैं आजकल यही कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, जब ड्रामे लिखे जा रहे हैं और हम लोग जब कहते हैं कि इलॉजिकल या इरिस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट है, तो मैं कहती हूँ कि जब आपने ऐसी चीज़ लिखी है तो खुद को भी तो खुशी महसूस होती होगी कि यार मैंने इतना कुछ अच्छा लिखा है, इतना 50 लोगों ने भी ये सीख लिया है, तो ये कितनी बड़ी बात है. कई दफ़ा तो मैं देखते देखते मेरे वाले साहब ऐसे पलट के मुझे देखते कहते तुमने लिखा कि जी अबू मैंने ही लिखा
इवन वो जो, और एक मुझे खुशी हुई थी, एक एपिसोड थी जिसके अंदर हलाल और हराम के ऊपर बात हुई थी, वो जो फरहत का रिश्ता आता है और बीवी कहती है अपनी बेटी का सोचें, तो कहते हैं बेटी का मत सोचो, आखरत का सोचो, आखरत का मैं सोचो। किसी हराम कमाने वाले को अपनी बेटी नहीं दे सकता। वो दिन था जब मेरे वाले सब कमरे में गए, 1,000 का नोट ला के मेरे हाथ में, कहते तुम राइटर बन गए, तुमने इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया अपने ड्रामे के अंदर, जब लोग हलाल हराम की तमीज़ भूल गए। आज नहीं पूछते, आज तो बड़े फ़ख्र से बनाते हैं, हमारे बच्चे की तनख्वाह इतनी है, ऊपर से इतना कर लेता है, ये रिश्तों में बताते हैं आज के दौर में, ये ख़त्म होती जा रही है तमीज़ हलाल हराम की। तो आप ड्रामों में ये बात करेंगे तो लोगों को जाएगा, और ऐसे ही ड्रामों में करेंगे जो औरतें और सब मर्द देखते हो, वो आप एक ड्रामा ऐसा बनाएंगे ना, बड़ा डिफरेंट सा ड्रामा है तो, और जिसको किसी ने नहीं देखा और लेकिन बड़ा डिफरेंट सा ड्रामा है, तो वो भाई मैसेज पहुंचे तो वो इन्हीं ड्रामों से पहुंचेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और सास बहू ये वाला कंटेंट हमारे साउथ एशिया में खासतौर पर ग्लोबली देखे जाने वाला कंटेंट है। इवन इश्क ममनू, उसमें भी औरतों की लड़ाई, मतलब आपने बता दिया है कि ये कॉन्सेप्ट हमारी जान नहीं छोड़ेगा, नहीं ये कॉन्सेप्ट दुनिया, हम जब तक औरतें आपस की लड़ाई नहीं छोड़ेंगी, ये कॉन्सेप्ट अपनी जान नहीं छोड़ेगा। जब तक मर्द बैलेंस करना नहीं सीखेगा, तो आपकी और मेरी जब तक मर्द ये रियलाइज नहीं करेगा कि कन्फ्रंटेशन के बजाय, बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक मर्द और औरत माशरे में अपना रोल सही से नहीं समझेंगे, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। अब सही है, दोस्ती कर लेते हैं बिल्कुल। बेबी बाजी में नसीर का जो कैरेक्टर है, उसमें उसको वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ करते हुए दिखाया, लेकिन फिजिकल नहीं। कोई एक खास वजह थी कि आपने इसको अवॉइड किया? असल में नसीर का जो कैरेक्टर था ना, वो बदतमीज़ कैरेक्टर नहीं था, वो फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर था। बीबी बाजी की तरबियत में कोई फॉल्ट नहीं था। नसीर एक जगह वलीद कहता है, नसीर भाई तो मुझसे ज़्यादा चहकते थे, तो असमा कहती है हाँ अब सिर्फ चीखते हैं। ठीक है, वो जो उसकी शादी वाला था और उसके दिमाग पे जो असर पड़ा ना, कि मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, वो फिर बाद में हमने एक्सप्लोर किया कि भाई क्यों फैमिली अगेंस्ट खड़ी हुई थी सारी चीज़ों पर, नसीर वहाँ फंस गया था। और जब वो उस लड़की को देख रहा था, अपनी बीवी को देख रहा था, तो उस जगह फ्रस्ट्रेटेड था, हाथ नहीं उठा सकता। यहाँ तो वो जब बीवी को जोर से बात भी करता था ना, पूरा घर खड़ा हो जाता था उसके लिए, तो हाथ उठाने को तो सारे भाई इसकी कुट लगा देते। इसलिए आपने उसको रोका? नहीं, मैंने नहीं रोका, नसीर खुद ही रुका रहा। नसीर आप लगवा देते। नसीर खुद ही रुका रहा, नसीर बदतमीज नहीं था। मेरे लिए नसीर कभी भी एक बदतमीज आदमी नहीं था। उसके दिमाग में जो चीज थी ना, क्योंकि ऑडियंस को उसका एंड नहीं पता था क्या होने जा रहा है, मुझे तो पता था इस बेचारे पे क्या गुजरी हुई है। ऐसा होता है जब हमारे साथ मोहब्बत हमें ना मिले ना, हम सबसे ज्यादा गुस्सा अपने घर वालों पर निकालते हैं। ऑफिस में हम किसी को जवाब नहीं, जिस थप्पड़ मूवी में बहुत अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो किसी पे नहीं करता, वो बीवी को उठा के थप्पड़ मार देता है। हम सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हीं लोगों पे निकालते हैं जो हमारे करीब होते हैं, तो उसके करीब ही उसकी बीवी थी। फ्रस्ट्रेशन वो अपने बीवी बच्चे पे ही निकालता था, बाकी सब पे नहीं निकाल पाता। इंटरेस्टिंग दो चीज़ें मुझे लगी, एक तो ये कि मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया इस ड्रामे में, थैंक्स टू यू। यूजुअली हम औरतों के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, वो पर्सपेक्टिव भी था, बट फॉर मी मेरे लिए हाईलाइट हुआ मर्द का, जैसे नसीर का जो कैरेक्टर है, मैं कह रही थी ठीक है असमा के साथ ज्यादती हुई, लेकिन इस शख्स के साथ भी तो ज्यादती हुई है, वो एक ज़िंदगी गुजार रहा है जिसको वो नहीं गुजारना चाहता। तो ये मुझे एक बहुत एक लगा कि एक प्रोग्रेसिव हमारे यहाँ चेंज आया चारों भाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फरहत और वासिफ का जो कपल था, वो अगेन वासिफ के कितने आपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया कि वो रो रहा है, वो बिजनेस छोड़ के अपनी जॉब करता है, बाद में भी उसकी इन्वेस्टमेंट चली जाती है, और वो बीवी को कहता है तुमसे नहीं बोलूँ तो किससे करूँ। तो हमने मर्द जिस प्रेशर से गुजरता है उसको देखा, तो ये भी बैलेंस कर रहे थे आप साथ या ये हो गया? नहीं, मैं कर रहा था, मेरे इंटेंशन ये थी कि देखें जब लिख रहे होते हैं ना, आप अपने टारगेट्स और जिन सामने रखते हैं, आप एक टारगेट रखते हैं, मेरी ख्वाहिश ये थी कि ड्रामा मर्द दिखे, ख्वाहिश थी मेरी। फिर देखा मर्दों ने आपको? आया देखा, बहुत देखा मर्दों ने, बुजुर्गों ने बहुत देखा, लड़कों ने इस वजह से देखा मुझे। आप कई दफ़ा होता है ना कि मैं कि यंगस्टर्स क्यों देख रहे हैं, मुझे आते हैं हम आपका ड्रामा देख रहे हैं और वो अच्छा है सारा कुछ है, तो वलीद और समन के सीन ज़्यादा होने चाहिए, मुझे कहते हैं वलीद और समन के सीन ज़्यादा होने चाहिए, उनकी रिलेटिबिलिटी वहाँ थी, वो उनको वहाँ पे वो खुद को देख रहे थे यार इस तरह का अफेयर तो हमारा है। तो वलीद इतने परफेक्ट थे, वलीद ने कोई गलती नहीं की? वलीद को गलती का मौका ही नहीं मिला। ओके, अभी वो जवान नहीं हुए, अभी वो जवान नहीं हुआ, वो डिपेंडेंट था, वो सिर्फ चीज़ें रिजॉल्व कर रहा था, फिर वो ज़ेरे असर था, उसको गलती करने की हिम्मत भी नहीं थी, ऐसा मौका ही नहीं आया जहाँ वो गलती करता। ओके, उसका कैरेक्टर उस नहज पे पहुंचा ही नहीं, वरना उसे करनी चाहिए। आपने अच्छा सवाल, सिद्दीकी साहब से भी गलती नहीं हुई,
सिद्दीकी साहब के कैरेक्टर में भी उन्होंने बैलेंस करके चला, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। मुझे उनका ना अपने बेटों के साथ स्पेशली जब वासिफ जॉब करना चाहते वो बड़ा अच्छा सीन लगा, वे यू नो वो कहते हैं कि जाओ, और मुझे ऐसा लगा इतने यहाँ पे बिजनेसेस हैं जहाँ पे बच्चे स्टक हैं ना, दे वांट टू गो लेकिन नहीं जा रहे, एंड आई एम श्योर उसमें बहुत बड़ी परसेंटेज ने आपका ड्रामा देखा होगा, बहुत लोग जिनको ये ख्याल आया होगा कि अब बच्चों को थोड़ा लेट गो करें और उन्हें एक्सप्लोर करने दें, वापस आ जाएंगे वो। ये मुझे बहुत, जब वो आ रहा था मैं सोच रही थी कि ये क्या करेंगे, ये इमोशनली रोकेंगे इसको, जाने देंगे, क्या होगा, एंड वो जो उनका जवाब था वो बहुत रिफ्रेशिंग था जो उन्होंने कहा अपनी बीवी को भी जब वो कह रहे थे। इसके अलावा उसकी वासिफ के साथ एक और कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी जिसमें वासिफ कहता है कि आप जमाल भाई को घर से जाने का नहीं कि मैं चला जाता हूँ, तो वो जब उससे कहते हैं ना कि एक बाप अपने बच्चे को बड़ा करता है और उसकी शादी करके समझता है कि मैंने आज अपना फर्ज अदा कर दिया, वो उसी दिन अपने बच्चे को उसी भट्टी में झोंकता है जिसमें वो सारी जिंदगी रहा है। तो दिस इज अ थॉट कि यार आज उसको मैंने भट्टी में झोंक दिया, अब तू तेरे बच्चे तेरी बीवी वो एक गुजरे, उससे पहले तक आराम से था। नहीं वो सोच सकता है, उसके ऊपर है कि उसने भट्टी बनाना है या उसको जन्नत बनाना है ना, देखिए मर्द की या औरत की जो भी है, मैं समझता हूँ स्ट्रगल एक भट्टी ही होती है। हमारे यहाँ खासतौर पर मिडिल क्लास इतनी बड़ी है, हम मर्द क्यों निकलता है घर से सिर्फ कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए उसकी फीस भरनी है, ये वाला काम करना, आप सारी चीजें सुने पूरी जिंदगी, मतलब आज तक हमारे घरों में डिस्कशन ही ये है कि किराया देना है, ये करना है, वो करना है, हम इंजॉय कहाँ कर रहे हैं जिंदगी को। ये बात तो मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि हमारे सोसाइटी में मर्दों पे बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर भी हैं, उनको वो आज़ादी नहीं दी जाती जो वो शायद, और जिस बेचारे की बीवी कमाने लगे तो उसको कह देते हैं औरत की कमाई खाता। ये ठीक है, हमारे देखिए आप और मैं एक डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारे यहाँ शायद उसको बड़ा सिंपल ले लिया जाता है, जो नीचे की क्लास में जब आप जाते हैं तो ये आज भी वही बात है, ये तो औरत की कमाई खाता है, इसकी तो बीवी कमाती है, ये खुद थोड़ी इतना कमाता है, जिस जो कंपैरिजन जब लाइफ का कर रहे होते हैं तो कहते हैं उसकी बीवी भी तो कमाती है, तो उस तरह से देख रहे होते हैं लाइफ को हम लोग। तो अस्मा भाभी को क्यों उसी घर में आपने रहने दिया, आपने उनको इतना एम्पावरमेंट का उनका पूरा जर्नी दिखाया कि वो अपनी यू नो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं और वो उससे दबना भी बंद हो जाती हैं बहुत हद तक, फिर क्यों ज़रूरी थे कि उनको वहीं रखा आपने, ये क्यों नहीं हुआ कि वो निकल जाती जब आप इस हद तक ले गए थे। दिस इज आई वुड कॉल इट इज़ एन ओपन एंडिंग, इसको मैं ये कहता हूँ, ये ऑडियंस पर डिस्कशन छोड़ दिए, किसी को नहीं पता कि अस्मा वहाँ रही कि नहीं रही, ये आप मुझसे कह रहे। बेबी बाजी ने तो जाते हुए उनको रिंग और वो जो अंगूठी सब कुछ दे दिया, दे तो दिया। वो तो इसी उससे देकर गई ना कि तुम यहाँ रहोगी और तुम संभालोगी, और वो जुमला तुमने इन चारों को संभाल के रखना है। एग्जैक्टली तो मेरे लिए तो ये था इट वॉज नॉट ओपन एंडेड, तो मेरे लिए संभालना उस वो इसलिए संभालना क्योंकि जमाल उसको कह चुका है कि तुम नसीर से ज्यादा हमारे लिए हो, नसीर तुम नसीर की भी सब बातें अलग नहीं, तुम नसीर की आई एम सेइंग इट, क्यों तो इधर यही वाली बात थी कि इन लोगों ने ना रिश्ते निभाना सिखाए, उसका सगा भाई था वो कहते हैं तुम इसकी बीवी रहो या ना रहो इस घर की बेटी हमेशा रहोगे, तो बेबी बाजी ने भी तो बेटी को ही दिया ना सब कुछ, तुमने संभाला तो बेटी वो अलहदा हो जाती तो फिर बेटी नहीं रहती। नहीं अलहदा हो वो तो हो गई होगी ना, हो सकता है नहीं, आपने तो दिखाया कि वो नहीं हुई। नहीं ये अभी ये चीज ओपन एंडिंग है कि अस्मा ने नसीर को माफ किया कि नहीं किया कहीं, हम मैंने और इंटेंशनली नहीं दिखा, ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई चूक हो गई, ऐसा नहीं है कि मैंने एंडिंग में कोई चूक कर दी, मैंने जान के नहीं दिखाया। तो आर वी प्रोपेगेटिंग के औरत को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नो नॉट, इसलिए हम छोड़ रहे हैं ओपन एंडेड के भाई आप सोच नो 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 आप सोचें, फिर हम बहादुर बन के क्यों नहीं दिखा रहे कि जब उसके साथ इतनी ज्यादती हुई है तो शी शुड टेक अ स्टेप। मैं आपको बताऊं इन लॉज शुड सपोर्ट हर, आपकी बात बिकॉज़ आप बड़े प्रोग्रेसिव चल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी बहुत सारा डिस्कशन इस बात पे भी चल रहा है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग भी हो सकती थी, मेरे लिए ये रियलिस्टिक एंडिंग थी, मुझे बड़ा वो इस पे थॉट थे कि हम क्या एंड करेंगे के, तो ये भी एक रियलिस्टिक है। आप ना अस्मा के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डिफरेंट अंदाज से देख रही हैं, मैं उस अंदाज से नहीं देख रहा, उसने हिम्मत करना शुरू की है, ऐसे वक्त में जब उसने हिम्मत करना शुरू की है कि वो चेंजेस आना शुरू हो गए, नसीर लौट आया, इधर सास की डेथ हो गई, अब उसने ये देखना है कि उसने क्या चीज़ करनी है, नॉट एज अ औरत, कोई मर्द भी इस पोजीशन में होगा, जमाल के लिए भी एक मुश्किल सिचुएशन होगी जब अजरा आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है, इतना उसका टाइम गुजरा है, तो हमें नहीं पता जमाल माफ़ करेगा कि नहीं करेगा,
मुझे तो पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं लेकिन क्या रीजन था आपने अज़रा का भी ओपन एंडेड छोड़ा? दैट वाज इंटेंशनल. इट इज आई वांट टू लीव दिस डिस्कशन टू द ऑडियंस एंड दैट इज वन ऑफ द टेक्निक इन द राइटिंग्स. ओके, यू लीव द ओपन एंडिंग एंड यू लीव द डिस्कशन टू द ऑडियंस. And I am leaving this discussion to the audience. चलिए, मैं शायद वो वाली intelligent audience क्योंकि क्योंकि मैं बहुत impressed हूँ और आपके जितने ideas, the way you balance them and इतने refreshing concepts और conversations and जिस तरह से अस्मा का हमने conversion देखी from you know from being this lady जो चुप करके बैठी रहती थी to actually very firmly and patiently. miss कर रही हैं. I like the way you analyze the character. बट अस्मा ने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया. ये मैं आपको बता दूं, करेक्ट अपने बेटे की वजह से लिया, अपने बेटे के लिए. एग्जैक्टली, उसने एक जगह सास को जवाब दिया कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे इजाजत दी होती. उसने वासिफ का केस लड़ने के लिए कही वो बात, और ये बात बाद में कहती, मैंने जो कहा वासिफ के लिए कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे सास. उसके बाद इसने स्टेप लिया अपने बेटे के लिए कि मैं फीस भरूंगी उसकी, मैं खुद कमाऊंगी. जब तीसरा उसने जब कहती है कि मैंने इतना सब कुछ अपने बेटे के लिए सहा, जब उसका बाप उसका रहेगा ही नहीं, किसी और औरत का हो जाएगा, तो मैं क्यों सह रही हूँ. उधर भी वो बेटे का सोच रही है. तो अस्मा का कैरेक्टर, अब हम जो है ना, हम एक डिफरेंट अंदाज में कि हम ये दिखाते हैं, वो मैं दूसरे में दिखा दूंगा भाई. इधर ये कैरेक्टर डिमांड नहीं करता था. सो जो चीज थोड़ी सी सोचने के लिए आती है और जिसपे मुझे थोड़ा सा कंसर्न होता है, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स जो है ना एक मकसद लेके चल रहे हैं, एक आपका पूरा ड्रामा एक थीम लेके चल रहा है. क्लियरली आप भी कह रहे हैं, मैंने भी मेंशन किया, कितने मैसेजेस हैं जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. ड्रामा ऐसे ही नहीं लिखा है आपने कि बस मुझे शो चलाना है. आपने एक सोच, एक समझ के साथ लिखा है. तो जब आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ रहे होते हैं और एक कैरेक्टर जिसके साथ इतनी ऑडियंस जुड़ जाती है, अस्मा भाभी के साथ बहुत ऑडियंस जुड़ी हुई थी, वो कैरेक्टर एक्चुअली मुझे लगता है बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. फॉर मी, अस्मा भाभी ने शो किया औरतों को कि हो रहा है, पिस रही हो, अब टाइम आया है इस तरीके से तुम खड़ी हो सकती हो. फिर मुझे लगा हमने खड़ा करके उसको बिठा दिया जब उसने डिसीजन नहीं लिया. सो देर वॉज दिस अपॉर्चुनिटी. कहानी आपकी है, आपने जैसा भी किया, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आप अभी तक बड़े प्रोग्रेसिव चीज़ों को लेके चल रहे हैं. तो मुझे ये उम्मीद थी कि हम ये दिखाते कि वुमेन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज जब इतना इमोशनल और मेंटल अब्यूज हो. एग्रीड, स्पेशली चीटिंग. तो ये agreed. बस मुझे थोड़ा सा उस पे था. Agreed, but जी. Disagreement वो इस बात पे है कि अस्मा ने अभी डिसीजन नहीं लिया, ये ओपन एंड. जितना अस्मा ने स्टैंड लिया, जिसकी सोच बदलनी होगी वो उसकी सोच इस हद तक भी बदल जाएगी कि अस्मा ने स्टैंड जहाँ लिया है ना, वो खड़े भाई, उसने कुला का कागज खुद हाथ में दिया, ये भी एक स्टैंड. अगर मैं दिखा देता कि हाँ अस्मा ने मुस्कुरा के कहा हम अब हंसी खुशी रहेंगे, मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई, तो मुझे आपकी पूरी राय समझ में आती. तो मैं मतलब हमने इस टॉपिक को ज्यादा टाइम दे दिया इस डिस्कशन को लेके. अदरवाइज मैं ही समझता हूँ कि अस्मा ने अपना थॉट पूरा दिया और अस्मा मैंने नहीं दिखाया, इंटेंशनली नहीं दिखाया, और उसकी वजह थी कि ओपन एंडेड सारे कैरेक्टर्स का, कि सफरत और वासिफ का क्या हुआ, अज़रा का क्या हुआ, ये चीजें मौजूद हैं उस जगह. सो बेबी बाजी 2 आने वाला है? Not really. I have no idea. I'm just thinking out all of this. Nothing is necessary. फिर वो open ending कहाँ रही? Open ending छोड़ी है ना, ताकि आ सके. उसके बाद आप किसी भी direction में उनको ले जा सकते हैं. अज़रा भाभी, उसकी inspiration क्या थी आपके लिए? अज़रा भाभी, अस्मा, बेबी बाजी, ये तीनों characters मेरे इर्द-गिर्द मेरे बचपन से मौजूद थे और मेरी inspirations वही थी. कोई ऐसा comment आया, कुछ हुआ अज़रा भाभी के या इनमें से किसी के बारे में जो आप share कर सकें? एक बहुत अच्छा आया था. मैंने एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पर, तो उस पर किसी ने, एक लड़की ने आके लगा बकवास ड्रामा. नॉर्मली कोई इस तरह का होता है तो मैं कमेंट डिलीट करते, तो मैंने कमेंट तो डिलीट कर दिया, लेकिन मैं उसके मैसेंजर पे जाके पूछा कि आपको ये बकवास ड्रामा क्यों लगा है. तो उसने शायद देखा नहीं था ये राइटर के अपनी प्रोफाइल है, उसने जनरली किसी ने शेयर किया, तो कहा आप राइटर हैं इस ड्रामे के? मैंने कहा जी. तो कहने लगे अच्छा सॉरी. मैं कह नहीं, मुझे बताएं आपको क्या चीज़ बकवास लगी ताकि मैं आइंदा इसका. कह रही है जिस दिन से ये ड्रामा शुरू हुआ है मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई है. मेरी सास मेरे शौहर को बिठा के ये ड्रामा दिखाती है और कहती है तुम्हारी बीवी अज़रा है, और वो यकीन भी करता है कि मेरी बीवी ऐसी है. एंड दैट्स व्हाट द इम्पैक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट. एंड आई प्रॉमिस्ड हर कि अगले ड्रामे में मैं सास को बुरा दिखा दूंगा, वो बिठा के आप अपने शौहर को दिखा लीजिए कि तुम्हारी माँ ऐसी. तो दैट वाज इंटरेस्टिंग. बस अज़रा तो लाइक
हीरोइन बन के निकली है जावे की, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी है, जस्ट वांटेड टू वॉच इट। आप ये सोचें कि नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब हेड्स ऑफ टू जवेरिया जो उनकी डिलीवरी और उन्होंने पकड़ी है, बहुत सारी चीजें मैंने भी एक्सप्लोर नहीं की थी लिखते वक्त, लेकिन उन्होंने एज अ कैरेक्टर क्योंकि वो चली गई थी उसके अंदर, उन्होंने डिलीवर कर ली, डिलीवरीज उनकी इतनी अच्छी थी, बस शॉक। खासतौर पर वो जो शुरू के एपिसोड में आया था, लड़की देखने गई थी ना, मुझे नहीं लेके गई, वाओ दैट इज द डिलीवरी, कि वो सास को ऐसे डांटी क्योंकि अज़रा में ज़ोम था उस कैरेक्टर का, ये था आई एम द वन ठीक है एंड ओनली, तो वो उसके कैरेक्टर में जो चीज थी वो आई है। तो बड़ी भाभी थी ना वो, बड़ी भाभी थी वो, होती है बड़ी भाभी, लेकिन जो अज़रा जैसी बड़ी भाभी कि मैं, मेरा नाम अज़रा है, अज़रा नाम है मेरा, जनाजा तो मैं भी नहीं उठने दूंगी, तो वो जो उसने था वो बहुत अच्छा डिलीवर हुआ। तो आमतौर पे लोग पूछते भी है ना उससे कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा कैरेक्टर था, तो लिखते वक्त तो मेरा अज़रा ही था क्योंकि वो क्या भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऑन स्क्रीन मेरा सबसे फेवरेट अस्मा था। इतना अच्छी वो उन्होंने एक्टिंग की है और खामोश रहते हुए, इतने डायलॉग्स नहीं थे लेकिन एक एक जगह पे उन्होंने उस मोमेंट को पकड़ा है, हाँ एक्सप्रेशंस को, आंखों से। हमारे यहाँ मुल्क में तो उस तरह से अवार्ड्स होते नहीं, मैं समझता हूँ पॉपुलर अवार्ड अगर जवेरिया सऊद को जाता तो क्रिटिक अवार्ड सुनीता माशर को जाता, हेड्स ऑफ टू दोनों। ये आपने बिल्कुल सही कहा एक्चुअली। अच्छा, आपके ड्रामे में थप्पड़ भी था और औरत को खींच के बाहर घर से निकालना भी था, तो क्या हमारे ड्रामे इसके बगैर सक्सेस नहीं अचीव कर सकते? अगेन इट्स लाइक दैट कि रिलेटिबिलिटी कितनी है, ठीक है कैरेक्टर ये करेगा कि नहीं करेगा। पहले मैं खींच के निकालने पे तो मैं कहता हूँ कि वो उस आदमी की फ्रस्ट्रेशन थी, वो जिस वक्त फ्रस्ट्रेट होता था, जिस वक्त खींच के निकालते थे तो उसी ड्रामे में हम दिखाते थे कि पूरे ससुराली रिश्तेदार खड़े हो जाते थे। हमारी यहाँ नॉर्मली मर्द अगर अपनी बीवी पे कुछ कर रहा हो, ससुराली इतने सपोर्टिव नहीं होते, तो जिस जगह हमने ये दिखाया कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ के काम कर रहा है, उस जगह हमने ये भी दिखाया कि ससुराली सब लोग उसके अगेंस्ट आके खड़े हो गए, ठीक है एक चीज़। दूसरी चीज़ थप्पड़ पे आ जाते हैं, अच्छा थप्पड़ पूरे ड्रामे में एक था और वो वहाँ था, और ये इतना मैंने बहुत सोचा था इस थप्पड़ के लिए कि मैं डालूँ नहीं डालूँ। अगर मैं थप्पड़ ना पड़वाता ना उस जगह, जमाल का करेक्टर को नहीं बचना था। मैं सोची थी हमारे अंदर इतनी टॉक्सिसिटी है कि हम देखना चाहते हैं इस किस्म का। ऑफ कोर्स हमारे अंदर टॉक्सिसिटी नहीं है, हमारे अंदर बैलेंस है, हम चाहते हैं कि हम बहुत बुरे लोगों का बुरा अंजाम देखना चाहते हैं। आप उस एंगल से भी तो देखें, हम बुरे लोगों का बुरा अंजाम देखना चाहते हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी को जो हम कह रहे हैं बुराई 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 है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन है, कह रहे उस बुरी आदत के साथ बुरा क्यों तो नहीं हो रहा, अलहदा क्यों नहीं हो जाता, छोड़ क्यों नहीं दिया, उसके घर छोड़ा था, उसको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। वो छोड़कर आया है लेकिन उसे पता चला है कि इसने मेरी माँ को धक्के दिए थे, तो वो इंटेंस मोमेंट था, एक वीक मोमेंट होता है हर इंसान की जिंदगी में। आप मुझसे कह रही हैं मैं अपने कैरेक्टर को फरिश्ता बना देता, उसे गुस्सा आ रहा है, उसका दिल चाह रहा है थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं एज अ राइटर रोक लेता। भाई मैं एज राइटर क्यों रोक लेता जब मेरा कैरेक्टर मारना चाहता है? जहां मैं रोक सकता था मैंने रोका है। मैं आपको बताऊं, इसमें हम एक जगह बहुत फंसे थे, डायरेक्टर तहसीन के साथ मेरा डिस्कशन बड़ा हुआ था। हम ये चाह रहे थे कि ये जो भाई हैं जब अलग हों तो कोई एक फाइट हो जाए, एक भाई दूसरे को थप्पड़ मार दे, चीज जिस पे मेरा पूरा डिस्कशन हो रहा था डायरेक्टर साहब। मैंने कहा नहीं तहसीन, सिचुएशन ही नहीं बन रही, ये भाई इतने रिस्पेक्टफुल हैं एक दूसरे के साथ कि अगर मैंने इन भाइयों को आपस में गिरेबान पकड़वाया तो ये राइटर की चॉइस होगी, कैरेक्टर की चॉइस नहीं होगी। राइटिंग में जिस स्टेज पे मेरा ड्रामा पहुंच चुका था वो स्टेज थी जहां कैरेक्टर्स हाथ पकड़ के राइटर्स को लेके चलते, वो कहते हैं हम यही करेंगे। अज़रा एंड तक अपने थस्से में रही, एंड तक वो ऐसे कैरेक्टर्स, ये तो फिर भी मैंने ड्रामे में दिखा दिया कि वो माफ़ी मांगने आ गई, क्योंकि उस फिर इस जगह हम अज़रा के कैरेक्टर को नहीं बचा पाते और लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, अदरवाइज ऐसे लोग माफ़ी भी नहीं मांगते, वो एंड तक मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते, माफ़ी नहीं मांगते। चलें, बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट है कैरेक्टर्स की जो आपने लिखी है और जिस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका मुतमईन होना भी जरूरी है, आप इतने अच्छे सवाल बना के पूछती हैं, आप काउंटर करें मैं आपको सारे जवाब दूंगा। बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, मैं काउंटर कर भी सकती हूँ लेकिन आई एम नॉट गोना डू दैट। आप अगले ड्रामे पे आएंगे तो फिर हम और भी खुल के डिस्कशन करेंगे। अब मैं एहतियात से लिखूं, मुझे लगता है कि थप्पड़ नहीं होने चाहिए ड्रामे में, स्पेशली मर्द का औरत पे हाथ उठाना। और जैसा आपने कहा कि वो कैरेक्टर आपका है, आपको लगा कि आपके कैरेक्टर को उस वक्त ज़रूरत थी, आई कम्प्लीटली रिस्पेक्टेड एंड आई एम पुटिंग अ रिक्वेस्ट टू यू कि जहाँ हमने ये बात की ना कि आपकी राइटिंग कितनी पावरफुल है, तो फिर यहाँ मुझे लगता है कि वो बैलेंस
मेरे हिसाब से आ जाता है, मेरे हिसाब से वो पावर, वो कंट्रोल एज अ राइटर आ जाता है, जहाँ आप थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए करें कि यस इन सिचुएशन अ पर्सन माइट डू दिस, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि शायद आप ऐसा भी कर सकते हैं. जस्ट अ थॉट प्रोसेस. मेबी आई एम रॉन्ग. मैं मासेस को नहीं हिट कर पाते. मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप थॉट प्रोसेस की बात कर रही है ना, आई एग्री द पॉइंट कि राइटर को करना चाहिए. आप यकीन करें, इतनी गालियाँ मुझे थप्पड़ पड़ जाने तक, मैं वहाँ थप्पड़ नहीं पड़वाता. एक थप्पड़ बीबी बाजी ने भी नसीर को मारा था. अच्छा, ये जो आप बात सारी बात करी, ये समीना अपा ने मुझसे की थी. वो नहीं मानना चाहती थी नसीर को थप्पड़. और इस पर हमारा सेट के ऊपर जिस दिन ये सीन होना था, बहुत डिस्कशन हुआ. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं गया सेट के ऊपर और मैंने कहा कि भाई इस थप्पड़ ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे पीछे के सारे सीन इस थप्पड़ के ऊपर हैं. जो माँ रात में खाना लेके जाती है कि तुमने ठीक से नहीं खाया था, वो कहता है तुमने मुझे, आपने मुझे थप्पड़ मारा सबके सामने, अब लाड दिखा रही हैं, अब प्यार दिखा रही हैं. तो और ये भी नहीं सोचा मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा था. तो माँ कहती, तुमने सोचा था तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम अपने बाप से हिस्सा मांग रहे थे, तो जो तुम्हारी औलाद देखेगी. तो फिर जब वो कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, देन शी गॉट कन्विंस्ड कि हाँ, ये आगे के जो पीछे के सीन्स हैं, इसके लिए ये थप्पड़ फिर ज़रूरी है. अब इससे भी एक पॉइंट निकला है. निकाले मैं तो देख तो जमाल की बेटी भी रही थी कि बाप ने कैसे हैंडल किया माँ को. सो ये, बट चले, एज आई सेड, इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन दैट वी कैन कीप हैविंग. डेफिनेटली, बट उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी माँ ने जितना किया है, ऐसे फिर थप्पड़ भी पड़ सकता है. ओके, स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ मेन हिटिंग वुमन, नॉट एट ऑल. आर यू वर्किंग ऑन एनी अदर प्रोजेक्ट्स? स्टार्ट हो गया है, हम देखेंगे बहुत जल्दी. अभी आप लिख रहे हैं? नहीं, इट्स लाइक आई एम डेवलपिंग द स्टोरी कि अभी कैरेक्टर्स क्या बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे. क्योंकि अभी जो है ना, लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ इतनी एक फैमिली ओरिएंटेड कहानी आए. और मैं समझता हूँ अभी जो करंट एरा है, फैमिली ड्रामा लिखने वाले राइटर्स बहुत कम हैं जो उसी नौयत का फैमिली ड्रामा लिख रहे हैं. तो ऑडियंस एक एक्सपेक्टेशन कर रही है, मैं कोई ऐसी वैसी कहानी दे दूंगा तो वो लेट डाउन होंगे. वो कहेंगे यार, इस राइटर को तो हम सिर्फ इस वजह से देख रहे थे कि इसका पिछला ड्रामा इतना अच्छा था. तो मेरी ख्वाहिश ये है कि उतना ही अच्छा पंच दोबारा आए, उसके लिए टाइम लगेगा. तो हमें 1.5 साल फिर वेट करना पड़ेगा. हो सकता है जल्दी हो जाए. चलें, दैट्स ग्रेट. एंड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था बेबी बाजी. आई थिंक उसने काफ़ी लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज किया. और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. थैंक यू, नाइस मीटिंग यू. बहुत अच्छे लगे आपके सवाल सुन के. बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. थोड़ी इंटेंस थी, बट जरूरत है. मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. इट्स नॉट कि कौन सही है कौन गलत है. अब ये अब जो आपकी और मेरी डिबेट है ना, ये मेरे दो करेक्टर्स भी ड्रामे के अंदर कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है ना, कि ये आप किसी ड्रामे को देखें, दो करेक्टर्स और भी डिस्कस करें कि उन्हें मारना चाहिए था. इसी तरह हम थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं. तो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. ये कॉन्वर्सेशन मासेस शायद उस तरह से नहीं देख रहे होंगे. ठीक है ना, एक मासेस है जो आज तक इंटरनेट के पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है. तो हम ये कॉन्वर्सेशन टीवी पे ड्रामे के अंदर जब ले आएंगे ना, बहुत अच्छी होगी. उस जगह जाके फिर ये हिट करेगी. अब वही मैं शुरू से आपसे बात कर रहा था कि राइटर्स को ये चीज समझनी चाहिए कि कॉन्वर्सेशन को ड्रामे में लाना किस तरह है कैरेक्टर्स के साथ. वो नहीं लगे कि एक सबक दे रहा है, एक बंदा बातें कर करके दे रहा है और फिर वो खत्म हो गया. ये वाली चीज है. तो जैसे बेबी बाजी में मैंने बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस की, तो आगे ड्रामे में ये कॉन्वर्सेशन भी मेरा वादा है कि आपके साथ. थप्पड़ वाला तो मैं मसला हल करूंगा. चलिए, आई एम हैप्पी टू हियर दैट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अगला प्रोजेक्ट आपको और से एक सीन देखूं. चलिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट. बहुत अच्छा लगा.